image formation by spherical mirror. So image formation by spherical mirror की study करने से पहले हमको कुछ terminologies देखनी पड़ेंगी. Like suppose कीजिए ये hollow glass का sphere है जिससे हमने ये concave mirror बनाया हुआ है. Okay? अगर ये रेडियस था उस हॉलो स्फीयर का रेडियस, इस रेडियस को यदि मिरर फॉर्म हो गया है तो क्या करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर. कर्वेचर मींस कर्व, कर्वेचर कर्व से आया हुआ. तो इस जो कर्व है, जो कर्व मिरर है, इसका जो रेडियस है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, एंड दिस मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे क्या कहेंगे, पोल बोलेंगे. और जिस सेंटर, जिस मींस सर्कल का मींस स्फीयर का जो सेंटर रहेगा उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सिमिलरली ये कॉनकेव के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए भी सेम होगा. यहां पे इसका पोल और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, सो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट कराएंगे हम, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो डिफरेंट टाइप से होगा. तो लेट्स स्टार्ट विद कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर सपोज कि कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर लाइक दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस लाइन को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या कहती है, कह रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के थ्रू, लाइन पासिंग थ्रू सी एम पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. ओके, जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपसाइड. ओके, मान लीजिए यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, रखा है, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इमिट हुई, मान लीजिए कोई कैंडल है. ओके, ये लाइट रे इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास होगी. ओके, इस जहां से ये पास होगी हाफ ऑफ द, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कहते हैं, फोकस. सो फोकस एक इंपॉर्टेंट टर्म है स्फेरिकल मिरर का. तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें, फोकस क्या है, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन. अगर ये कॉनकेव है तो क्या होगा, अगर कॉनकेव है तो यहां से पास होगा, पास थ्रू इट. कॉनकेव के केस में क्या होगा, यहां से पास होगा. अगर सेम अगर कॉन्वेक्स मिरर लें, इसमें क्या होगा, इसके इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा सी, और मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पे जो ऑब्जेक्ट है, यहां पे हमने लाइट रे इंसिडेंट कराई और लाइट रे यहां ऐसा लगेगा कि फोकस के थ्रू यहां पे यहां से बिंड बेंड हो गई है. मींस यहां से ऐसा लगेगा कि लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट से आ रही है. सो पास कॉन्केव के मिरर में यहां से पास हो जाएगी, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम इट. मींस कॉन्वेक्स के केस में ऐसा लगेगा कि रिफ्लेक्शन के बाद
जो लाइट रे है इधर की फोकस से आ रही है। ओके तो ये है फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने फोकस को प्रॉपरली समझ लिया तो इमेज फॉर्मेशन को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके सो यहाँ पे आई थिंक आपको फोकस के डेफिनेशन नोट कर लेनी चाहिए और उसको आप सही से अंडरस्टैंड कीजिए, तभी जाके आप आगे इमेज फॉर्मेशन डिस्कस कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, इमेज फॉर्मेशन में कंफ्यूजन, इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं फिर हम बेसिकली केसेस लेके इसको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सो ये कॉन्को मिरर, ये हमारा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। कोई इस केस में इसमें यहाँ पे तीन पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जब वेन लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस तो क्या होगा, पासेस थ्रू फोकस, सेकेंड पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सी रिफ्लेक्टिंग सेम डायरेक्शन। मीन्स अगर आप कोई भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, अगर ऐसे गई है तो इसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में इफ पासेस इफ इंसिडेंट ऑन पोल, इंसिडेंट ऑन पोल, अगर इंसिडेंट पोल पे पड़ती है लाइक दिस तो यहां पे हम क्या करेंगे, अप्लाई इफ इंसिडेंट ऑन पोल देन क्या अप्लाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस यहां पर अगर पोल से गई है प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल बना रही थी, आर एंगल से क्या करके इसको रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्केव मिरर के केस में ये तीन पॉइंट हमको याद रखनी है, तब जाके आगे के इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। ओके फिर सेम थिंग कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ कहीं पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इसका फोकस, ये है पोल और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। एक कन्वेंशन हमने आपको नहीं बताया, यहाँ पे हम लाइट रे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही क्यों ले रहे हैं, मीन्स हमेशा यहाँ से लाइट हैंड लाइट रे पास करते, ये फिजिक्स का कन्वेंशन है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा मीन्स सी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है एक्स एक्स डैस वाई वाई डैस, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज करती है नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करती है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को हमेशा सेकेंड कोऑर्डिनेट में रखेंगे। ओके अभी हम मिरर फार्मूला और भी चीजें डिस्कस करेंगे, जो डिस्टेंस होगी इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है, यहाँ पे हम क्या करेंगे पोल को हम कंसिडर करेंगे कि ओरिजिन पे रखा हुआ, बाकी जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके सो हमेशा ऑब्जेक्ट को सेकेंड प्लेन में रखा जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके तो इसीलिए हमेशा हम बार बार इसको लेफ्ट में ही रखे कंसिडर कर रहे हैं। सो ये प्रिंसिपल एक्सिस, इस केस में लाइट रे मान लीजिए कहीं से आती है, यहाँ कहीं से, यहाँ पे सी डैश है और ये एफ डैश है, जो भी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली डिस्टेंस यहाँ पे है, इस केस में यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस कॉम सी डैश और यहाँ पे एफ डैश बोल रहे। ओके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इससे एक लाइट रे हमें प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पास कराई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा फोकस की डेफिनेशन। फोकस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो आप मीन्स यहाँ से लाइट ऐसा लगेगा फोकस के थ्रू आ रही है, ऐसे यहाँ से चली जाएगी, और अगर
सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहे हैं यहाँ पे, पास नहीं किया, यस डॉटेड शो करना चाहिए, ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर के पॉइंट पे कहूंगी उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। तो जो थ्री पॉइंट था, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, सेकेंड इंसिडेंट इन सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, सो सेम डायरेक्शन में लौट जाएगी, सेम डायरेक्शन में। थर्ड, जब पोल पे इंसिडेंट होगी तो इंसिडेंट ऑन पोल, तो मैं क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स लाइक एक लाइट रे आप यहाँ पे लें और ये अगर ये पोल पे इंसिडेंट करा रहे हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस से आई एंगल बना रही है, आर से इसको रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे। तो ये जो तीनों पॉइंट है, अभी हम इमेज फॉर्मेशन बाई वन जब कॉन्क्यूबर कॉन्वेक्स को डिस्कस करते तो देखेंगे। सो इसमें ओके, सो नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्क्यूबर केसेस को देखते हैं।